हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टैटिस्टिक यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें फिटिंग ऑफ अ कर्व ये टॉपिक का 7 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फिटिंग ऑफ अ कर्व ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फिट अ पैराबोला y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर टू द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे x और y का डाटा दिया है और ये डाटा के लिए हमें यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन क्रिएट करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही है जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये रिस्पेक्टिव ये जो इक्वेशन है पैराबोला का, ये इक्वेशन के लिए इसके नॉर्मल इक्वेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। देन नॉर्मल इक्वेशंस क्रिएट करने के बाद हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल से हमें समीशंस की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन हमें ए और बी का वैल्यू मिलेगा, फिर वो ए और बी का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो चलो फिलहाल हम यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके नॉर्मल इक्वेशन तैयार करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे द गिवन पैराबोला इज, ये जो पैराबोला दिया है वो हम यहां पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये गिवन पैराबोला का इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो। तो ये इक्वेशन में हमें ए और बी का वैल्यू पुट करना है। ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जैसा हमने कहा था, सबसे पहले इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। तो चलो हम यहां पे लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। हम यहां लिखेंगे द नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो देखो नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको समेशन से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये होगा एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहेगा पहला इक्वेशन। n माने नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है देखिए, 1 2 3 4 5, इट मींस n का वैल्यू 5 है। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एक और इक्वेशन बनेगा, उसमें हमें क्या करना है, ये पूरे इक्वेशन को समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और फाइनली जैसा हमने कहा था, यहां पे हमें समेशंस का वैल्यू पुट करना है। समेशंस का वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाएंगी, फिर वो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और बी मिलेगा, फिर वो ए और बी हम यहां पुट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो चलो सबसे पहले यहां पे एक टेबल बनाते हैं, टेबल से ये सभी के सभी समेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए टेबल यहां पे बन चुका है और ये टेबल में हमने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले हमने एक्स का कॉलम बनाया, देन वाई का कॉलम, देन यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉलम, एक्स टू द पावर 4 का कॉलम और लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम। वो कैसे, क्योंकि यहां पे हमें जो चीज का वैल्यू पुट करना है हमने बस उसी का कॉलम वहां पे रखना है। तो चलो हम यहां पे x और y का डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं। तो x और y का डाटा देखिए, x का डाटा है 1 2 3 4 5, तो x का डाटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और देन y का डाटा हमें लिखना है। तो चलो y का डाटा लिखेंगे, इट मींस y का वैल्यू 1.8, देन है 5.1, देन 8.9, देन 14.1 और देन 19.8। तो ये देखिए हमने x और y का डाटा लिखे, और अब एक्स स्क्वायर करना है, तो एक्स का डाटा जो है उसका स्क्वायर करना है। तो ये देखिए उसका स्क्वायर हमने यहां पे किए तो एक्स स्क्वायर हो गया। और अब यहां पे एक्स टू द पावर 4 करना है, इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है उसी का स्क्वायर कर लो, तो ये 1, ठीक है, 4 का हो गया 16, 9 का हो गया 81 और 16 का हो गया यहां पे 256, 16 का हो गया दैट इज 256 और 25 का हो गया 625, इस तरह से। और अब एक्स स्क्वायर वाई करना है, इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो वाई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1.8, ये 5.1, 5.1 इंटू 4, तो ये हो गया 20.4, देन ये 8.9 इंटू 9, तो ये हो गया 80.1, काफी आसान है ये कैलकुलेशन। देन 16 इंटू 14.1, तो ये हो गया 225.6 और लास्ट में है 19.8 इंटू 25, तो ये हो गया 495। और अब सभी का समेशन करना है, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स, यहाँ समेशन ऑफ एक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं पे भी समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू पुट नहीं करना है। तो ये जो बॉक्स है ये हम यहाँ पे निकाल देते हैं, टोटल यहाँ पे हम लिखेंगे।
टोटल। यहां पे सिर्फ हमें समेशन ऑफ वाई होना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होना, एक्स टू द पावर फोर होना, एक्स स्क्वायर वाई होना। तो बस ये इधर के जो कॉलम्स है उनका समेशन करो। तो सबसे पहले y का समेशन, देन x स्क्वायर का, x टू द पावर 4 का और x स्क्वायर y का। तो चलो समेशन करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो फाइनली हमने यहां समेशन कर लिया है और अब हमें क्या करना है, ये जो कुछ भी वैल्यू हमने समेशन में निकाले हैं वो सब कुछ हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करना है, तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, सबसे पहले समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y का वैल्यू कितना है, ये है 49.7 इक्वल्स टू, यहां पे क्या है na, n माने नंबर ऑफ टर्म्स। हमें यहां पे क्या कहा था, कितने टर्म्स है यहां पे, 5 है। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब n का वैल्यू 5 है। तो ये हो गया 5a प्लस यहां पे है b समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, देखिए 55 है तो हम यहां लिखेंगे 55b। तो ये देखिए पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। और अब इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट अप करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये देखिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का समेशन कितना है, ये हम लिखेंगे 822.9 इक्वल्स टू, देन यहां पे है a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 55 है, तो ये होगा 55a प्लस यहां पे हमें लिखना है b समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 कितना है देखिए 979, हम लिखेंगे 979b। और अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, ये दोनों को कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप साइमल्टेनियस मोड में ले लेंगे और ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 देन 55 देन 49.7 देन 55 देन 979 देन 822.9। तो ये फाइनली आंसर आ चुका है। तो यहां पे पहला आंसर आ चुका है जो है 1.816 और दूसरा आंसर आ चुका है जो कि है 0.738। तो फाइनली हमने ए और बी का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए, और जो भी आपने ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट किए यही वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर ए में रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम इसको इक्वेशन नंबर ए में रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर ए में रखने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए माने 1.816, ये देखिए a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू हमने लिख दिया 1.816 प्लस b, b माने 0.738, तो हम लिखेंगे प्लस 0.738 एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा जो है पैराबोला का इक्वेशन बन गया। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फाइनली प्रॉब्लम में जो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था फिटिंग ऑफ अ कर्व का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।